वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑडिट। इन तो फर्स्ट टाइप है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या होता है, इंटरनल ऑडिट कौन करता है, इंटरनल ऑडिट क्यों करते हैं, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो इंटरनल ऑडिटर कोई नहीं, इन हाउस एम्प्लॉय होता है। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो ऐसे बंदे को अपॉइंट करते हैं जिनके पास एप्रोप्रिएट डिग्री हो, उनको प्रॉपर वे पता हो ऑडिट करने का, उनको पैटर्न पता हो, तो वो इनहाउस एम्प्लॉय होते, बट ही और शी एक्ट एज अ ऑडिटर। तो ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है, पर्पस क्या है इनको रखने का, तो चलिए मैं बताती हूँ। तो इंटरनल ऑडिटर का रोल होता है कि डेटा एनालिसिस करने का, डे टू डे वर्क एक्टिविटी उनको मॉनिटर सुपरवाइज करना है कि डे टू डे ऑपरेशन जो भी हो रहे हैं वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहे हैं या नहीं। इंटरनल जो भी डॉक्यूमेंट सेट किए हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पॉलिसीज, वो अप्रोप्रिएट एज पर आरबीआई गाइडलाइंस या एज पर सेबी गाइडलाइंस है कि नहीं। उनको सारे इम्प्लॉय जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो एज पर गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं, ये सारा वेरीफाई चेकिंग करना इंटरनल ऑडिटर का काम होता है। इससे क्या होता है, हर एक इम्प्लॉय डर जाता है और वो एफिशिएंटली काम करता है। सेट वर्क स्टैंडर्ड। सेट वर्क स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, इंटरनल ऑडिटर फिगर आउट करता है कि एक एक्टिविटी को कितना ड्यूरेशन लगता है। फॉर एग्जाम्पल 5 आवर्स लगता है, तो 5 आवर्स में वो एक्टिविटी उतना कम्प्लीट होना ही चाहिए। तो उससे क्या हो जाता है, एफिशियंसी इंक्रीज होती है, प्रोसेस स्मूथ होते हैं। जितने भी सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं तो उनको मॉनिटर करता है और देखता है कि कहीं पे एरर या फ्रॉड होने के चांसेस तो नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम किए जा सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ असेट्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के असेट्स है उनको प्रॉपर डेप्रिसिएशन मेथड से कैलकुलेट किया जा सकता है, ये मॉनिटर करना कि उसका मिसयूज ना होना। तो इंटरनल ऑडिटर का काम होता है कि अपने सजेशंस, अपने व्यूज, अपने इनपुट्स सीनियर मैनेजमेंट को देते रहना। इंटरनल ऑडिटर ना कोई ऐसा रिपोर्ट बनाता है जो कि सीनियर मैनेजमेंट को या हायर अथॉरिटी को प्रेजेंट करता है या वो आरबीआई को जाता है, बट हाँ एक सपोर्ट होता है कि जब भी एक्सटर्नल ऑडिटर आता है बाहर का, कंकरेंट ऑडिटर या स्टार्ट ऑडिट होता है या आरबीआई से कोई ऑडिट करने आता है, तो ये अपने सारे इनपुट्स, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको देता है कि मैंने ये सारे वेरीफाई किए हैं। तो इसलिए इंटरनल ऑडिटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। थैंक यू।